वॉकिंग वॉन्डरर के सभी व्यूअर्स का स्वागत है हमारी वीडियो सीरीज एक्सप्लोरिंग हिमाचल प्रदेश में। आज इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एक रीजन मैक्लियोडगंज के सफर पे। मैक्लियोडगंज खुद तो एक बहुत खूबसूरत जगह है ही, लेकिन मैक्लियोडगंज के आसपास घूमने वाली कुछ बहुत खूबसूरत जगहें और भी हैं जो मैक्लियोडगंज को एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन बना देती है। मैक्लियोडगंज के आसपास घूमने वाली कुछ सबसे खूबसूरत जगहें हैं सेंट जॉन्स चर्च, भागसू विलेज, भागसू वाटरफॉल, डल लेक, नड्डी और धर्मकोट। तो इन सभी जगहों के वर्चुअल टूर पे तो आज हम आपको लेकर चलेंगे ही, और साथ ही आपको बताएंगे कि बेस्ट वे में आप इन जगहों को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन जरूर हिट करें। मैक्लियोडगंज के पास सबसे पहली जगह जो आप विजिट कर सकते हैं वो है चर्च ऑफ सेंट जॉन इन विल्डरनेस। इस चर्च का नाम इन द विल्डरनेस इसलिए है क्योंकि ये देवदार के घने जंगलों के बीच में बसा हुआ है। सेंट जॉन चर्च धर्मशाला से मैक्लियोडगंज के रास्ते पर लोकेटेड है और इसका डिस्टेंस मैक्लियोडगंज से लगभग 2 किलोमीटर है। सेंट जॉन चर्च की कंस्ट्रक्शन सन 1852 में करवाई गई थी। सेंट जॉन चर्च धर्मशाला की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। यह लॉर्ड एर्गिन का अंतिम विश्राम स्थल भी है। लॉर्ड एर्गिन भारत के वाइसरॉय भी रहे हैं जिस दौरान ब्रिटिशर्स भारत पर रूल किया करते थे। सेंट जॉन चर्च के अमेजिंग आर्किटेक्चुरल मास्टरपीस को विजिट करने के बाद जो नेक्स्ट जगह आप विजिट कर सकते हैं वो है मैक्लियोडगंज मॉल रोड। मैक्लियोडगंज का मॉल रोड एक काफ़ी लाइवली जगह है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी शॉप्स की वैरायटी देखने को मिल जाएगी। यहाँ के अमेजिंग लोकल क्यूजीन कैफेज़ को भी आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। साथ ही यहाँ की तिब्बतियन मार्केट और सोविनियर शॉप्स भी आपको काफ़ी पसंद आने वाली हैं। मैक्लियोडगंज को मिनी ल्हासा नाम से भी जाना जाता है। ल्हासा जो कि तिब्बत की कैपिटल हुआ करती थी। यहाँ पे बहुत से तिब्बतियंस रहते हैं और आपको यहाँ पे सच में लगेगा कि आप मिनी ल्हासा में घूम रहे हैं। मैक्लियोडगंज की इतनी कलरफुल मार्केट को देखने के बाद आप भी खुद को कुछ शॉपिंग करने से रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। मैक्लियोड मॉल रोड पर ही आप नामग्याल मोनेस्ट्री को विजिट कर सकते हैं। नामग्याल मोनेस्ट्री जिसे 14 दलाई लामा के मठ के रूप से भी जाना जाता है। मैक्लियोडगंज का मॉल रोड एक बहुत ही अमेजिंग सनसेट पॉइंट भी है और इस जगह की वाइब शाम को बहुत ही खूबसूरत होती है। अगर आप भी हमारी तरह मोमोज लवर हैं तो मैक्लियोडगंज के मॉल रोड पे आपको ट्राई करने को मिल सकते हैं ऑथेंटिक तिब्बतियन टेस्ट वाले मोमोज। अगर आप मैक्लियोडगंज का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और मैक्लियोडगंज में एक परफेक्ट स्टे डेस्टिनेशन देख रहे हैं तो आपको बता देते हैं होटल लेविशिन के बारे में। होटल लेविशिन मैक्लियोडगंज मेन स्क्वेयर के पास ही लोकेटेड है। होटल लेविशिन के स्पेशियस रूम्स, अपडेटेड मॉडर्न एमिनिटीज और बालकनीज से दिखने वाले अमेजिंग व्यूज आपके मैक्लियोडगंज के स्टे को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। होटल लेविशिन का अपना कैफे और रेस्टोरेंट है द ब्लैक मैजिक। द ब्लैक मैजिक में आप इवनिंग के टाइम पर लाइव म्यूजिक और डीजे का मजा ले सकते हैं और अपनी इवनिंग को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो आप अगर लेविशिन होटल में स्टे करना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो भागसू वाटरफॉल, भागसू विलेज और भागसू टेम्पल अगली 3 जगहें हैं जो आप मैक्लियोडगंज के आसपास विजिट कर सकते हैं। आप जब भी हिमाचल प्रदेश घूमने आए तो आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है,
आपको कहीं पर भी वेस्ट नहीं फैलाना है और एक ही रूल फॉलो करना है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल वेस्ट। तो मैक्लोडगंज मॉल रोड से लगभग 1.5 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद आप पहुंच जाते हैं भागसुनाग विलेज। भागसुनाग विलेज तक आप अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं। इसके बाद भागसुनाग वाटरफॉल जाने के लिए आपको ट्रैक ही करना होगा। भागसुनाग में आपको एक काफी डिसेंट मार्केट देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि खाने पीने की दुकानों और लॉजिंग फैसिलिटीज की बहुत सी वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी। भागसु विलेज से जब आप भागसु वाटरफॉल के लिए ट्रैक करना शुरू करेंगे तो आपके रास्ते में पहले एक टेम्पल आएगा, जिसके साथ आपको 2 कुंड देखने को मिलेंगे। इन कुंडों का पानी बहुत ही चमत्कारी और मेडिसिनल वैल्यूज से भरा हुआ माना जाता है। तो चलिए पहले आपको लेकर चलते हैं भागसुनाग वाटरफॉल की ओर, उसके बाद हम दर्शन करेंगे भागसुनाग टेम्पल के। भागसुनाग वाटरफॉल भागसुनाग टेम्पल से लगभग 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर लोकेटेड है। भागसु वाटरफॉल के ट्रैक का रास्ता एक काफी पिक्चरस लैंडस्केप वाला रास्ता है और इस रास्ते पे आपको काफी सारे छोटे छोटे कैफेज और लोकल टी शॉप्स देखने को मिल जाएंगी। भागसु वाटरफॉल पूरे धर्मशाला रीजन के सबसे ज्यादा प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। भागसुनाग वाटरफॉल का क्रिस्टल क्लियर और बहुत ही ठंडा पानी धौलाधार माउंटेन रेंजेस की पहाड़ियों से बहकर आता है। भागसु वाटरफॉल एक बहुत ही फेमस पिक्चर पॉइंट भी है और भागसु वाटरफॉल के आसपास लोकेटेड कैफेज में आप कॉफी या चाय का मजा भी ले सकते हैं और इन खूबसूरत नजारों को देखते हुए चाय पीने का मजा भी दोगुना हो जाता है। भागसुनाग वाटरफॉल को विजिट करने के बाद हम विजिट कर सकते हैं भागसुनाग टेम्पल। भागसुनाग टेम्पल इस जगह की खूबसूरती में और भी 4 चांद लगा देता है। भगवान शिव को डेडिकेटेड ये टेम्पल बनाया गया था राजा भागसु के द्वारा। राजा भागसु की नाग देवता से लड़ाई हुई थी, उस युद्ध में हारने और उनसे माफी मिलने के बाद उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। मैक्लोडगंज के आसपास जो आप अगली जगह विजिट कर सकते हैं वो है डल लेक। आप नाम से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये कश्मीर या श्रीनगर वाली डल लेक नहीं है, मैक्लोडगंज के पास भी एक डल लेक है और ये कितनी खूबसूरत है आप अपने सामने अभी देख ही सकते हैं। अगर आप वॉकिंग वॉन्डर टूर्स के साथ हिमाचल ट्रेवल करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। से लगभग 1,775 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है डल झील। डल झील धर्मशाला से नड्डी के रोड पर मैक्लोडगंज से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर तोतारानी नाम के गांव के पास स्थित है। तो इस खूबसूरत लोकेशन डल लेक को भी आपने विजिट कर लिया है। डल लेक को विजिट करने के बाद जो अगली लोकेशन आप विजिट कर सकते हैं वो है नड्डी। नड्डी डल लेक से लगभग 1.5 किलोमीटर के रोड डिस्टेंस पर लोकेटेड है। मैक्लोडगंज से नड्डी तक का 5 किलोमीटर का छोटा सा रास्ता अपने आप में एक बहुत खूबसूरत सफर है, क्योंकि ये पूरा रास्ता देवदार के घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। नड्डी एक बहुत ही फेमस सनराइज और सनसेट पॉइंट भी है और ये जगह फेमस है बिना किसी ट्रैकिंग किए हुए बहुत ही खूबसूरत नजारों के करीब आने के लिए। नड्डी व्यू पॉइंट से हमें द मैजेस्टिक धौलाधार रेंज के बेस्ट व्यूज देखने को मिलते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस सीजन में नड्डी विजिट कर रहे हैं। अगर आप विंटर्स में विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे स्नोफॉल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। नड्डी विजिट करने के बाद जो अगली जगह आप विजिट कर सकते हैं वो है धर्मकोट। धर्मकोट मैक्लोडगंज मेन टाउन से लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। इस वीडियो में हमने आपको मैक्लोडगंज के आसपास घूमने के लिए जो भी जगहें बताई, सभी जगहें 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंडर हैं, इसलिए इन सभी जगहों को आप पैदल या फिर बाइक या स्कूटी रेंट पर लेकर भी इजीली विजिट कर सकते हैं।
अगर आप शांति की खोज में मैक्लोडगंज या धर्मशाला का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप रुख कर सकते हैं धर्मकोट का। धर्मकोट इस एंटायर रीजन की सबसे ऑफ बीट जगह है और साथ ही यहां से दिखने वाले अमेजिंग व्यूज और लोकल स्टाइल कैफेज आपके रिलैक्सिंग ट्रिप को परफेक्ट बना देंगे। धर्मकोट बहुत से ट्रैक्स का बेस पॉइंट भी है, जैसे कि करेरी लेक ट्रैक और त्रियुन ट्रैक। तो ये थी मैक्लोडगंज के आसपास घूमने वाली कुछ बहुत खूबसूरत जगहें। उम्मीद है आपको ये जगहें अच्छी लगी होंगी और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।